दोस्तों, अगर आपका फ़ोन भी गरम करता है, आप जब भी अपने फ़ोन पर इंटरनेट चलाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, तो आपका फ़ोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की वीडियो में हम आपको चार ऐसी सेटिंग्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे जो बिल्कुल नई हैं और जिनकी मदद से दोस्तों आप अपने फ़ोन की हीटिंग प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और फिर कभी भी आपका फ़ोन गर्म नहीं होगा। तो दोस्तों, फ़ोन का गर्म होना एक आम बात है, लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि कई बार हमारा फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है, तो हमें डर लगने लगता है। तो फ़ोन गर्म होने से हमारे फ़ोन पर बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो अगर आप भी फ़ोन की हीटिंग प्रॉब्लम को बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि आपको अपने फ़ोन के अंदर चार सेटिंग्स करनी हैं, लेकिन दोस्तों आपको इन चारों सेटिंग्स को करना होगा। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देंगे फिर आपको इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है पहली सेटिंग करने के लिए, और आपको थोड़ा सा नीचे आना हो तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग दिखाई देगी बैटरी की। हर फ़ोन में बैटरी की सेटिंग होती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर बैटरी का हमारे फ़ोन की हीटिंग से क्या लेना देना। तो दोस्तों, यहीं पर एक सेटिंग होती जिसकी वजह से आपका फ़ोन सबसे ज़्यादा गर्म होता है और लोग इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपको इसे ओपन करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको मोर सेटिंग मिलेगी या मोर बैटरी सेटिंग के नाम से होगी, तो इसे आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको हाई परफॉर्मेंस मोड की सेटिंग मिलेगी एक, जो ऑन होगी। अब दोस्तों, इसके ऑन होने से क्या होता है कि आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है, जिससे आपकी बैटरी की कंजम्पशन ज़्यादा होती है और आपकी डिवाइस भी हीट होती है। यहाँ पर नीचे साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसे अगर आप बंद कर देंगे तो इसके दो फायदे होंगे, आपकी बैटरी भी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी, साथ ही दोस्तों आपका मोबाइल फ़ोन गर्म होना भी बंद हो जाएगा। तो ये पहली सेटिंग है जो दोस्तों आपको बैटरी में करनी है, इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा आपकी फोन की हीटिंग प्रॉब्लम में। तो अब ये पहली सेटिंग बंद करके दोस्तों आपको बैक आना है और अब आपको अपने फोन में दूसरी सेटिंग करनी है। तो दूसरी सेटिंग करने के लिए आपको यहां पर ऊपर जाना है और यहीं पर आपको एक सेटिंग मिलेगी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के नाम से। डिस्प्ले की सेटिंग हर फोन में होती है, तो इसे आपको ओपन करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्राइट HDR मोड। अब दोस्तों, ये सेटिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है। तो क्या होता है कि आप जब भी यूट्यूब पर या नेटफ्लिक्स पर या कहीं पर HDR कंटेंट देख रहे होते हैं, 4K 8K वीडियो देख रहे होते हैं, तो उनसे क्या होता है कि आपकी जो बैटरी है वो भी ज़्यादा ख़त्म होती है और आपका फ़ोन हीट होता है, गर्म होता है। तो इस सेटिंग को भी दोस्तों आपको बंद करना है। अब इन दोनों सेटिंग्स को बंद करने से क्या होगा कि आपके दोस्तों बैटरी का बैकअप अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो बैटरी के परसेंटेज आपके बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होते थे वो नहीं होंगे। साथ ही फ्रेंड्स, आपके मोबाइल की जो हीटिंग प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो अब ये दो सेटिंग आपको करने के बाद अपने फ़ोन में दो सेटिंग और करनी है, तो उसके लिए अब आपको यहाँ से बैक आना और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग दिखाई देगी लोकेशन के नाम से। तो इस पर आपको टैप करना है, यहाँ पर वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग की सेटिंग होगी। अब यहाँ पर आप टैप करेंगे तो नीचे आपको दो सेटिंग दिखाई देंगी, वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग। अब ये दोनों सेटिंग दोस्तों आपके फ़ोन में ऑन होंगी। अब क्या होता है कि आपने मान लीजिए यहाँ से अपना ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों बंद किया हुआ है, लेकिन जब ये यहाँ से ऑन होंगी तो आपका फ़ोन जो है वो हर समय ब्लूटूथ और डिवाइस के थ्रू ब्लूटूथ और वाईफाई के कनेक्शंस को स्कैन करता रहता है बैकग्राउंड में, जो आपके फ़ोन को हर समय हीट करता रहता है। तो इसे आपको कभी भी ऑन करके नहीं रखना है, इसे हमेशा बंद करके रखना है। आपको जब भी अपना वाईफाई या ब्लूटूथ को ऑन करना है तो आप डायरेक्टली यहां से अपना वाईफाई या ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं। ओके, तो इससे दोस्तों आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है अगर इन दोनों सेटिंग्स को आप ऑन करके रखते हैं।
तो ये थर्ड नंबर की सेटिंग है जो दोस्तों बंद करनी। उसके बाद अब दोस्तों चौथे नंबर की सेटिंग है जिसे आपको बंद करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके फ़ोन की हीटिंग प्रॉब्लम से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग दिखाई देगी, ढूंढ लेना, उसे ओपन करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम सर्विस के नाम से, यहाँ पर आना है। यहाँ पर AI सर्विस इंजन की सेटिंग मिलेगी, इसे ओपन करना है। यहाँ पर ऑटो अपडेट और वाईफाई की सेटिंग मिलेगी जो ऑन होगी। अब दोस्तों इसके ऑन होने से क्या होता है कि आपके फ़ोन की जो तमाम फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम के थ्रू जो है वो अपडेट होती रहती हैं, और इससे दोस्तों आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जो कि बैकग्राउंड में बहुत सारा प्रोसेस चलता रहता है AI के थ्रू। तो इसे तो कभी भी आपको ऑन नहीं करना है। बस दोस्तों इन चार सेटिंग्स को सिर्फ अपने फ़ोन में बंद कर दीजिए, उसके बाद कभी भी दोस्तों आपका फ़ोन गर्म नहीं होगा, हीट नहीं करेगा। जो फ़ोन आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।